सौगात तो आपको अधिकृत रूप से बता दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, पारासूत हो रही है, स्कूल के लिए है, पॉलिटेक्निक के लिए है, कई सारे चीजें हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है और वो है कि झारखंड के आदिवासी भूलवासी कई राज्यों में ले जाया जाकर बसा दिया गया, जिसमें असम हो, अंडमान निकोबार हो, अन्य जगहों पर मूलवासी आदिवासियों को वर्षों से वहां पर रहे अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया काम कराने के लिए, और लगभग इनकी संख्या 15 से 20 लाख। मुझे कई बार उन लोगों के द्वारा हमारी मुलाकात होती रही है और अपने अधिकार के लिए उन राज्यों में संघर्षरत। सर्वविदित है यहाँ के आदिवासी असम के चाय बगानों में काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी समुदाय के, अंडमान निकोबार में भी है वो भी एक आदिवासी, लेकिन उनको अभी भी वहां पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त है। और आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जो बनाया जाता योजना है उसका भी लाभ उनको है। तो इस संदर्भ में हमारी सरकार ऐसे सभी मूलवासी को झारखंड वापस आने का न्योता देती है और ये जो समस्या है, इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी मंत्री के स्तर पर, उसके नेतृत्व क्या है नेतृत्व पर, कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर, और सर्वदलीय समिति होगी और उन जगहों पर यह प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और वहां के जो समस्या है उसका आकलन करेंगे और राज्य सरकार उनकी जो आवास की समस्या है, आदिवासी दर्जा की समस्या है, उनको नौकरी की समस्या है, उनकी राज्य में अधिकार की समस्या है, वो उनको कैसे प्राप्त हो, इस पर राज्य सरकार पहल करेगी। इसमें सर असम की ट्राइब जो है वो भी शामिल है सर? बिल्कुल। तो सर आज की बैठक में क्या कुछ खास वही बताना पड़ेगा और बताया। हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपए का है उसको बढ़ा करके 2500